तो दोस्तों वेलकम है आपका फैंटेसी मैच प्रीव्यू की एक और नई वीडियो में। केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद क्वालिफाई नंबर मैच फर्स्ट कवर करने जा रहे हैं। 7:30 बजे मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। अब सबसे मेन दिक्कत आती है, देखो स्टेट सब लोग बता देंगे, प्लेयर मैचअप्स भी ऑलमोस्ट सब लोग बता ही रहे हैं, सभी जो जो नए ट्रेंड आएंगे वो सब कुछ सभी जने फॉलो करेंगे और इंक्लूड करेंगे अपनी वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में क्या अलग देखेंगे, हम लोग ऐसे प्लेयर्स देखेंगे जिन्हें आप कल के मैच में अवॉइड करना है, ठीक है, उनको आप लोग अवॉइड करेंगे, प्लस उसके साथ में किन प्लेयर्स को हमें पिक करना चाहिए ताकि हम लोग ये जो मेगा कॉन्टेस्ट है ना 60 करोड़ वाला, इसके अंदर रैंकिंग लगा पाएँ। हमें भेड़ चाल नहीं चलेंगे पहली चीज़ तो, ठीक है, भेड़ चाल चलेंगे तो हम लोग कभी भी रैंकिंग ना लगा पाएंगे और ना ही हम लोग मेगा कॉन्टेस्ट में विनिंग कर पाएंगे। तो आइए कैसे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीम्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मैचेस कैसे चलने वाले हैं प्लेऑफ के। तो आपको बता देता हूँ, ये केकेआर हैदराबाद वाला मैच है, यहाँ से जो टीम जीतेगी वो तो सीधी चली जाएगी कहाँ पर भैया, फाइनल खेलने के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से ये तो हो गया क्वालिफायर वन, और यहाँ से हारने वाली टीम क्या करेगी, वो यहाँ पर खेलने वाली है किससे, एलिमिनेटर फर्स्ट की जो विनर टीम रहेगी। अब राजस्थान और बेंगलुरु में से जो भी टीम आ रहेगी वो तो सीधा एक तो बाहर होने वाली है, और एक को एक क्या करेगी, जीतने वाली टीम क्वालिफाइड टू खेलेगी। यानी जो आज मैच जीतेगी ना, यानी आज मैच हारती भी है ना इस ये वाला मैच कोलकाता और हैदराबाद में से कोई टीम, तो उनको एक मौका और मिलेगा, लेकिन एलिमिनेटर वाली टीम्स को मौका नहीं मिलेगा, केवल एक ही मैच है उनके पास में, या तो हारे या उनकी जीते, ठीक है। तो इस तरीके से चलने वाला है, तो यहाँ से इसका जीतने वाला, तो इसका हारने वाला और इसका जीतने वाला यहाँ पर खेलेंगे, और बाकी जो जीतेगा वो सीधा यहाँ से फाइनल मैच खेलने वाला है इस मैच के लिए, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो है ना, आपको पता है काफ़ी नंबर ऑफ पिचेस यहाँ पर हैं, वैसे जनरली 3 पिचेस ही यूज़ करते हैं, वो जो सेंटर वाली है, बहुत ज़्यादा इधर उधर वाली पिचेस बहुत कम चांसेस में यूज़ होती हैं, मेनली 3 जो सेंटर पिचेस हैं उन्हीं का ज़्यादातर यूज़ होता है। अब मैंने क्या देखा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमें क्या स्कोर देखने को मिल रहे हैं, 180 का, 190 का, 210 के आसपास, इस तरीके से स्कोर हमें देखने को मिल रहा है, न कि ऐसा हो रहा है कि भैया 250 क्रॉस कर जा रहे हैं या 260 क्रॉस कर जा रहे हैं जैसे राजीव गांधी में हो रहा था, वैसे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कोर बनेगा भैया 190 के अराउंड, बहुत अच्छी टीम खेली तो, ठीक है, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो केकेआर हो, दोनों में से जो भी टीम खेलेगी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 190 स्कोर तो बनना चाहिए, और बहुत अच्छी खेली तो 230 के आसपास टोटल इन दोनों ही टीम्स के देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही ऐसी टीम है जिनके पास में बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है और बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इतना स्कोर बनेगा तो इसका मतलब ये तो ही है कि स्कोर बन रहा है तो बैटर्स तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। अब बैटर्स अच्छा करेंगे दैट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 4 बैटर के साथ में तो अपनी टीम क्रिएट करनी ही है, नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है, इसको नोटिस करना है कि नंबर 1 पॉइंट 4 बैटर्स के साथ में टीम क्रिएट करनी है। प्लस हम लोग क्या करेंगे, पावर प्ले के जो बॉलर रहेंगे प्लस डेथ के जो बॉलर रहेंगे उन्हीं को ही हम ज़्यादातर अपनी वैल्यू जो है वो देने वाले हैं, यानी उन्हीं को पिक करने वाले हैं। स्पिनर हम लोग बहुत क्वालिटी स्पिनर होगा उसी को पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पिनर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है नहीं है, लास्ट 10 मुकाबले की बात मैं कर रहा हूँ, 109 विकेट गिरे हैं, 82 विकेट जो मिले हैं वो पेसर्स को मिले, स्पिनर को जस्ट 27 विकेट ही मिले, तो पावर प्ले वाले बॉलर और डेथ में कौन करता है, पेसर्स जनरली करते हैं, तो उनको यहाँ पर मदद मिलने वाली है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका है, चेजिंग टीम को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, लेकिन मुझे ये मैच लग रहा है ना यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास में अच्छी बैटिंग लाइनअप्स हैं और बॉलिंग लाइनअप्स हैं, ठीक है। चेंजेस क्या होने चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस लाइनअप्स में होने चाहिए, अगर केकेआर पहले बॉल कर रही होगी तो नीतीश राणा एज अ बैटर आ जाएंगे इंपैक्ट प्लेयर में, बाकी वैभव अरोड़ा अगर बॉल सेकंड करिए केकेआर तो, ठीक है, और इनके लिए ट्रेविस हेड बॉलिंग फर्स्ट में और बैटिंग फर्स्ट करी होगी तो सीधे ही आपको ट्रेविस हेड तो मिलेंगे ही है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा टी नटराजन एज एन इंपैक्ट प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। केकेआर और एसआरएच के बीच में जो मैचेस हुए हैं ना तो उसमें डोमिनेशन देखने को मिला है हमें किसका, कोलकाता नाइट राइडर्स का। लास्ट 10 मैचेस भी आप लोग देखेंगे ना तो 10 में से 7 मैचेस विन किए केकेआर ने और जस्ट 3 मैचेस ही विन कर पाई सनराइजर हैदराबाद, तो कहीं ना कहीं केकेआर फेवरेबल लगती है मुझे, और इस ये जो पिच है ना ये थोड़ी सी स्लो भी बिहेव कर सकती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो केकेआर के टॉप ऑर्डर है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक कंडीशन हमें ये भी लेके चलनी है, क्योंकि सामने होंगे मिचेल स्टार्क, और सामने कौन है, दोनों ही लेफ्ट सी ट्रेविस हेड है और अभिषेक शर्मा है, तो मिचेल स्टार्क बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं
इन दोनों को, क्योंकि मिचेल स्टार्क अच्छे से जानते हैं हेड की कमजोरियां, प्लस अभिषेक शर्मा जिस लय में खेल रहे हैं हो सकता है ये लय इस यहां पर स्पेशल सिचुएशन में आके टूट सकती है, तो मिचेल स्टार्क की प्लेयर होंगे इस मैच के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखा, ये नंबर्स तो खेल हम लोग ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा, इसमें क्या हो सकता है प्लेइंग इलेवन, क्योंकि फिलिप्स ऑल जा चुके हैं तो गुरबाज ओपन करेंगे सुनील नारायण के साथ में, वेंकटेश अय्यर श्रेयस अय्यर नीतीश राणा अंद्रे रसल रिंकू सिंह रमनदीप सिंह मिचेल स्टार्क वरुण चक्रवर्ती हर्षित राणा, ये तो प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए। इंपैक्ट प्लेयर में वैभव अरोड़ा और अनुकूल रॉय दोनों में से कोई एक यहाँ पर आएंगे, चांसेस ये है कि वैभव अरोड़ा आने चाहिए। सनराइजर हैदराबाद के लिए प्लेइंग इलेवन क्या रहेगी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन, राहुल त्रिपाठी लास्ट मैच अच्छा खेल रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी है, हैंडी क्लासेन है, शहबाज अहमद है, अब्दुल समद है, सनवीर सिंह है। देखो बैटिंग मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है यहाँ से, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप मुझे लग रही है कि इनके पास में अच्छे खासे बैटर्स तो है ही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सनराइजर हैदराबाद थोड़ा सा डोमिनेट यहाँ पर कर सकती है ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि जो इनके मैचअप्स हैं ना भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट द केकेआर बहुत अच्छे हैं, आगे हम लोग देखेंगे उसको भी। तो ये तो इनकी प्लेइंग इलेवन रहने वाली है। अब हेड टू हेड में कौन अच्छा प्ले किया है, जब भी हेड टू हेड यानी दोनों ही साइड्स खेलती है ना तो हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे, वही 30-35 वाला एवरेज मिलेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मैचेस भी काफ़ी मिलेंगे, तो उसमें नीतीश राणा है लेकिन थोड़ा सा डाउन आएंगे, श्रेयस अय्यर फॉर्म अच्छी नहीं है, मनीष पांडे को ज़्यादा खिला नहीं रही टीम, मयंक अग्रवाल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और प्लेइंग इलेवन से काफ़ी लंबे समय से बाहर हैं, हो सकता है प्लेइंग इलेवन में जगह भी बना जाए क्योंकि वेन्यू उनको पसंद है। राहुल त्रिपाठी लास्ट मैच में खेले कह नहीं सकते, तो ये थोड़े से रिस्की सिलेक्शंस बनते हैं यहाँ से, जितने भी एट टू एट्स के प्लेयर हैं ना यहाँ पर ये रिस्की सिलेक्शन है, कहाँ तक, राहुल त्रिपाठी तक। तो इन पांचों में से क्या करना पड़ेगा, हमें केवल एक ही प्लेयर लेना पड़ेगा उन पांचों में से। देखो मयंक अग्रवाल मनीष पांडे तो नहीं खेल रहे, अभी तीन बजे तीन में से हम क्या करेंगे, या तो टॉप ऑर्डर के राहुल त्रिपाठी या श्रेयस अय्यर, इन दोनों में से एक को हम लोग अपनी टीम में कंसिडर करेंगे, और अंद्रे रसल तो हमारी टीम में मिलेंगे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्लस यहाँ से हैंड्रिक क्लासेन हमारी टीम में होंगे। सुनील नारायण देखिए जब भी हिट टूट गया अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद, मुझे लगता है पैट कमिंस कल इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन बन सकते हैं, पैट कमिंस, यहाँ पे मैं अगेंस्ट मेंशन कर देता हूँ, पैट कमिंस इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकते हैं पावर प्ले फेज के अंदर ही, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सुनील नारायण, यहाँ से और भी प्लेयर्स हैं जिसमें ट्रेविस हेड है, खेले थे बहुत अच्छे से प्ले किया अगेंस्ट केकेआर, 75 नॉट आउट किया था और उसमें 50 लगाया था, अगेन हेड अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि स्पिन ज़्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है उनको, ज़्यादा टेंशन होती किससे, लेफ्ट आर्म पेसर से, और सामने मिचेल स्टार्क उनको सही खेल गए, तो मुझे लगता है ट्रेविस हेड अगेन आपको अच्छी नोक खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वेंकटेश अय्यर हेड टू हेड में तो नंबर्स अच्छे नहीं है अगेंस्ट एसआरएच, लेकिन वेन्यू आप लोग ऐसा देखेंगे वेन्यू पे तो आपको अच्छे खासे नंबर्स मिलेंगे। विकेट टेकर में भुवनेश्वर कुमार मेरी टीम के मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे क्योंकि परेशान किया टॉप ऑर्डर्स केकेआर का, और विकेट्स लेते हैं अगेंस्ट द केकेआर, तो मेरे लिए मस्ट पिक प्लेयर ये बनेंगे। उसके बाद में आंद्रे रसल को मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, हो सकता है कल की मेरी टीम के अंदर ये आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन देखने को मिले बजाय सुनील नारायण के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी टी नटराजन लास्ट मैच में जरूर 2 विकेट्स निकालें, लेकिन फिर भी मैं सोचूंगा कि इनको रखना है या नहीं, भुवनेश्वर कुमार टी नटराजन या भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस, इन दोनों में से एक मैं रखने वाला हूँ अपनी टीम के अंदर। सुनील नारायण रखना चाहिए सेफ अगर स्मॉल कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती अवॉइड करना है क्योंकि मुझे लगता है स्पिन जो है टॉप ऑर्डर अच्छा खेलते हैं, और पावर प्ले में एक दो ओवर भी अगर वरुण चक्रवर्ती डालते भी हैं तो भी मुझे नहीं लगता विकेट मिलेंगे, तो आप लोग इनके साथ में स्मॉल कॉन्टेस्ट में स्टिक रह सकते हैं लेकिन मेगा कॉन्टेस्ट में ड्रॉप करना है। ठीक है, इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है और बड़ा मैच है, ताकि हम लोग अच्छी विनिंग कर पाए, भले इस पूरे IPL में विन नहीं किया हो, वैसे तो हम लोग विन कर रहे हैं लेकिन नहीं विन किया हो, कोई लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए ये हेल्प करने वाली है, उनको बेस्ट हेल्प करेगी कि आप लोग मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनाए। बाकी हर्षित राणा 2 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं। पैट कमिंस मेरे लिए सबसे बड़े गेम चेंजर रहेंगे, लास्ट मैच में भी था लेकिन एक ही विकेट इन्होंने निकाला, अगेन मेरी टीम के मस्ट पिक प्लेयर बनने वाले हैं और इनको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, इस वेन्यू के ऊपर किसने खेला भैया, मयंक अग्रवाल की मैं बात कर रहा था, अच्छा प्ले किया है यहाँ पर लेकिन फिर नहीं खेल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं बनती है, हैंडी क्लासेन हमारी टीम में मिलेंगे, अच्छा खेला है वेंकटेश अय्यर ने, एक ही मैच में 83 गया था और 150 इन्होंने लगाया था यहीं पे, तो अच्छा खेलते हैं वेंकटेश अय्यर और स्ट्राइक रेट हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ में खेलना पसंद करते हैं, इसलिए आप लोग प्रीफर कर सकते हैं हैंडी क्लासेन और वेंकटेश अय्यर को अलॉन्ग विथ यहाँ से अंद्रे रसल। ठीक है, ये 3 प्लेयर हमारी टीम के यहाँ से डिफॉल्ट बनते हैं जिनको हम अपनी टीम में कंसिडर करने वाले हैं। बाकी यहाँ से हेड है, देखो आंकड़े इस वेन्यू पे तो अच्छे नहीं है लेकिन उम्मीद है जिस तरीके से अगेंस्ट द इंडिया प्ले किया था, मुझे लगता है ये अच्छा करेंगे ही है। फिर यहाँ से बात करते हैं वेन्यू पे टॉप विकेट टेकर, तो अगेन वही मिलेगा भुवनेश्वर कुमार, देखो हेड टू हेड में आपको नंबर अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं,
मेरे लिए मस्ट पिक प्लेयर बने, प्लस पेट कमिंस जो मैंने आपको पिछले बताई दिया है बताई दिया कि अच्छा करेंगे, मेरे लिए पेट कमिंस इंपॉर्टेंट होते ही हैं। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट्स निकाले थे अगेंस्ट SRH, तो ये मेरे लिए की प्लेयर बने। तो 1, 2, 3 और ये 4 प्लेयर जो हैं वो मेरी टीम के मस्ट पिक प्लेयर बन रहे हैं, इनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता कल के मैच में, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं भुवनेश्वर कुमार के आंकड़े अच्छे क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने भैया देखो ओपनर गुरबाज को 0 पे ही 2 टाइम्स डिसमिस कर चुके हैं। फिर यहाँ से आप लोग देखेंगे सुनील नारायण को भी परेशान किया है भुवनेश्वर कुमार ने, क्योंकि जब पेड़ पे गेंद आती है ना तो इनके लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे शॉर्टर लेंथ को तो इस साल ठीक ठाक बच रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार इनको परेशान करेंगे। तो मैं स्पेशली स्मॉल कॉन्टेस्ट में आप लोग जा सकते हैं CVC नो डाउट, लेकिन जब मेगा कॉन्टेस्ट खेल रहे होंगे थोड़ा सा रुक के खेलेंगे आप लोग तो बेटर है। यानी रुक के खेलने का मतलब MI और जो SRH है ना उनके अगेंस्ट में थोड़ा सा इनको मैं प्रीफर नहीं करता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टनसी में, ठीक है। मेगा कॉन्टेस्ट में किसी टीम में आप लोग 2 टीम 3 टीम बनाना तो वाइस कैप्टन ले सकते हैं, अदरवाइज मैं क्या करूँगा इनके साथ में जाके मैं जो प्लेयर आगे बताऊँगा टीम में उनके साथ में जाऊँगा। भुवनेश्वर कुमार की है ये ध्यान रखिएगा, और मार्को येंसन अगर कहीं जगह बना लेते हैं, वैसे चांसेस कम है क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर के लिए शायद वो जा सकते हैं, ठीक है, चले गए होंगे मुझे ऐसा लगता है। श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, इसमें से वेंकटेश अय्यर अच्छे की प्लेयर हो सकते हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके पास में अच्छी टच है और बैट से टच में है। श्रेयस अय्यर मेगा कॉन्टेस्ट के ही प्लेयर टीम में हम लोग रखेंगे। आंड्रे रसेल रखने चाहिए नो डाउट, रिंकू सिंह अवॉइड कर सकते हैं, नीतीश राणा, रमनदीप सिंह अगर बॉलिंग करते तो हमारे लिए बेस्ट होते, हम लोग अवॉइड ही करने वाले हैं। फिर यहाँ से ट्रेवर सेड, अभिषेक शर्मा, स्मॉल कॉन्टेस्ट में तो आप लोग को दोनों को लेना ही पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हैं तो दोनों ही टीम में रहेंगे। अब कब छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में मैं आगे बताऊंगा टीम क्रिएट करते वक्त। हैनरी क्लासेन, त्रिपाठी, इन दोनों में से एक तो मेरा हैनरी क्लासेन तो फिक्स है, अब त्रिपाठी को मैं कैसे लूँगा या नहीं, त्रिपाठी या मान लो गुरबाज में से कोई एक सिलेक्शन रहेगा, कैसे सेलेक्ट करना है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वेंकटेश अय्यर है, उन तीनों में से एक सिलेक्शन हमारा रहेगा। शहबाज़ अहमद, अब्दुल समद फिलहाल के लिए मैं अवॉइड ही करना चाहूँगा क्योंकि लेफ्टीज हैं और पिटाई हो सकती है। ट्रेवर सेड, सुनील नारायण, अभिषेक शर्मा स्मॉल कॉन्टेस्ट के सेफ CVC होते हैं, और मेगा कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो हैनरी क्लासेन और यहाँ से आंड्रे रसेल, और टी नटराजन की जगह मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा पैट कमिंस को, ठीक है। ये आप लोग फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, लास्ट में 2 विकेट ले चुका पैट कमिंस, मेरी टीम के यहाँ पे CVC रहेंगे। अब ये टीम कैसा बिल्ड हो रही है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं किस तरीके से टीम बिल्ड होगा। देखो पास लाइनअप्स मैंने आपको बता दी, चेंजेस मुझे नहीं लग रहा कोई होने चाहिए। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि हम लोग टीम्स क्रिएट करते हैं पहले स्मॉल लीग की, स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करें तो स्मॉल लीग में भी कुछ ऐसे 1 या 2 मूव्स हमें डालने हैं ऐसे, ताकि हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि 11 मेंबर्स भी हमारे निकल जाएं और जो 25 मेंबर्स हैं वो भी हम लोग क्रैक कर लें, ठीक है। ऐसी मूव्स हमें अपनी टीम में रखने पड़ेंगे। देखो पहला तो ये होगा कि 1, 2, 3 ये हमारी टीम में रहेंगे, और क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे भैया नटराजन हो गए, यहाँ से भुवनेश्वर कुमार हो गए, पैट कमिंस हो गए, तो ये बॉलिंग करेंगे तो गुरबाज के लिए तो दिक्कत होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगा वेंकटेश अय्यर, ये कैलकुलेटर रिस्क है, आप भी मेरी तरह ले सकते हैं, मैं इनको अपनी टीम में प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो त्रिपाठी को प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन मैं वेंकटेश अय्यर को प्रीफर कर रहा हूँ, इस वेन्यू पर अच्छा खेला है। फिर यहाँ से मैं अपनी टीम में आंड्रे रसेल को अपनी टीम में रख रहा हूँ, मिचेल स्टार्क मेरी टीम में रहेंगे, मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ से मैं प्रीफर कर रहा हूँ जो कि काफ़ी लोग अवॉइड ही करने वाले हैं, किसको, हर्षित राणा, तो एक बार मैं अपनी टीम में इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस, ठीक है, ये हमारी टीम कुछ इस तरीके से बन रही है। अब ये बन रही है हमारी स्मॉल कॉन्टेस्ट की टीम। अब इसमें क्या करेंगे लोग, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करके यहाँ पर त्रिपाठी रख लेंगे काफ़ी लोग, क्योंकि वेंकटेश अय्यर यूँ समझेंगे यार अच्छा नहीं कर रहे हैं ऐसा करके, या फिर यहाँ पर क्या करेंगे रमल और गुरबाज को ऐड कर लेंगे, वो सेफ्टी के लिए हो गया, लेकिन गुरबाज के नंबर अच्छे नहीं है इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में इंक्लूड कर रहे हैं। तो टी हेड, अभिषेक शर्मा, हैनरी क्लासेन हो गए, फिर नारायण रसेल और यहाँ से वेंकटेश अय्यर, और तीनों ये बॉलर मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा को मैंने अपनी टीम में रखा है। अगर आप लोग चाहें तो ये कर सकते हैं कि हर्षित राणा को अवॉइड करके आप लोग थोड़ा सा बैटर्स के साथ में जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं उस कंडीशन में। फिर आप लोग या तो नीतीश कुमार रेड्डी को ऐड कर लीजिए या राहुल त्रिपाठी को ऐड कर लीजिए, किसी भी एक को आप अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से किसको ऐड कर रहा हूँ, मैं त्रिपाठी को अपनी टीम में ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरी टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है अगर आप लोग खेल रहे हैं 11 मेंबर्स से लेके 25 मेंबर्स तक की टीम, ठीक है। त्रिपाठी का मैं वही कॉल लूँगा, बैटिंग फर्स्ट कर रही होगी तब मैं अपनी टीम में इंक्लूड करूँगा, बैटिंग सेकंड में हो सकता है मैं अवॉइड कर जाऊँ, क्योंकि हो सकता है कम टोटल हुआ तो ये ही इतना अच्छा खेल जाएंगे तो फिर इनका कोई मीन नहीं रहेगा। बैटिंग फर्स्ट में त्रिपाठी को प्रीफर करूँगा, अदरवाइज मैं फिर चेंजेस करके दूसरा ले सकता हूँ, वही बॉलर जो मेरे अपनी टीम में थे, हर्षित राणा, ठीक है।
ये कर सकते हैं। सीवीसी आपको किसको देना चाहिए, मैं कहूँगा थोड़ा सा सेफ चलिए, आप लोग 11 मेंबर टारगेट कर रहे हैं तो इनके साथ में जाइए एज अ वाइस कैप्टन कैप्टन, ठीक है। मैं तो कहूँगा कैप्टन ठोकेंगे तो बढ़िया है, और वाइस कैप्टन आप लोग कर सकते हैं ऐसे या तो ट्रेविस हेड को या फिर हेनरिक क्लासन को। थ्रेट क्या है ना, सबसे बड़ा थ्रेट है मिचेल स्टार्क का, और ये लेफ्टीज, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा किसके अगेंस्ट में आउट हुई है, अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट में, तो ये इनको परेशान करेंगे। यहाँ से मैंने क्या चेंजेस कर दिए, अभिषेक शर्मा को क्यों चेंजेस कर दिए, ठीक है। यहाँ से अर्जित राणा तो मेरी टीम में, इस मैं अर्जित राणा को ऐड कर सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कैसे टीम बन रही है, एक दो और ये तीन, इनसे हमारी टीम जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आप लोग थोड़ा सेफ खेल रहे हैं या फिर रिस्क ले रहे हैं तो इन दोनों को भी सीवीसी कर सकते हैं मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर, ठीक है। स्मॉल कॉन्टेस्ट की टीम बनाई, उसी से आप लोगों को मेगा कॉन्टेस्ट का टीम भी मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे और कैसे टीम बनेगी उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपको टेलीग्राम पे मैं टीम्स देते ही हूँ, आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को हेल्प होगी। लास्ट मैच में भी टीम बनाया था लेकिन मैच नहीं हुआ था, उससे पहले भी हम लोग टीम बनाया, अच्छा किया हम लोग। इवन सिमरन सिंह के साथ में टीम में गए थे, और देखिए मेरी टीम वाइस कैप्टन पैट कमिंस थे, ये एक्चुअली में स्मॉल कॉन्टेस्ट की टीम थी। स्मॉल कॉन्टेस्ट यानी हमारा टारगेट रहता है, हमारी सोच रहती है दो तीन चार मेंबर तो हम लोग इजीली क्रैक कर लें। अब दो तीन चार मेंबर में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं, फिर भी मैंने सोचते हुए प्रभसिमरन सिंह को अपनी टीम में लिया था, विजय विश्वकांत को लिया था, जस्ट हर्षिल पटेल को अपनी टीम में लिया था, तो अच्छी टीम बनी थी। आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए क्या करना है, @fantasyexpertnews आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई थोड़ी सी अपने फ़ायदे की बात, ये हमारी टीम बन गई थी, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ कि सामने है भैया स्टार्क, और थोड़ा सा परेशान करेंगे किसको, अभिषेक शर्मा को, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को जो है वो परेशान कर सकते हैं। ट्रेविस हेड कैसे भी करके खेल गए मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये दो अब वो हट गए। अब दो प्लेयर में जो इंक्लूड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि मैं हर्षित राणा को अपनी टीम में प्रीफर कर रहा हूँ, और फिर मैंने यहाँ से अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया है किसको, नीतीश कुमार रेड्डी को, ठीक है। तो ये हो गई मेरी ग्रैंड लीग टाइप की टीम, जिसमें मैंने किसको कर दिया है, इनको डिफरेंशियल पिक ले लिया, नीतीश कुमार रेड्डी को। आप लोग इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप लोग टी नटराजन के प्लेस पे जाके और सीधा अपनी टीम में रख सकते हैं, सीधे यहाँ से अभिषेक शर्मा या रमान लोलागुलबाज, दोनों में से किसी को। अब ग्रैंड लीग की टीम बना रहे तो थोड़ा आप डिफरेंट सोचना पड़ेगा, क्योंकि भले ही नंबर्स अच्छे हैं तो फिर इस कंडीशन में हमें ऐसी टीम बनानी पड़ेगी। अब मैचअप्स का ध्यान नहीं रखा है हमने, अब सीधी ग्रैंड लीग की टीम बनाई है। अब सीवीसी किसके बीच में होगा, वही मेरे आंद्रे रसल कैप्टन है, वाइस कैप्टनसी वही मेरी रहेगी कि मैं यहाँ से हेनरिक क्लासन ट्रेविस हेड के साथ में एज अ वीसी अपनी टीम में करूँ, ठीक है। समझ में आ चुका है खेल सारा, उम्मीद है आप लोग कम्प्लीटली फॉलो किया होगा वीडियो, यहाँ तक फॉलो किया है तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। और भी मैं आपको टीम्स प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जरूर जुड़िएगा। सीवीसी भी मैंने आपको बता दी, मैं बना के बता देता हूँ, ये वाइस कैप्टन मैंने कर दिया, रसल को मैंने कैप्टन कर दिया, और ये मेरी टीम बन गई, ठीक है। यहाँ से प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये मेरी टीम बन गई मेगा कॉन्टेस्ट की। इसके अंदर रोटेशन बस एक ही जगह मैं करने वाला हूँ, वो मेरे यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको, के नीतीश कुमार रेड्डी के यहाँ पे, और यहाँ से भुवनेश्वर कुमार के प्लेस पे, यहीं पे चेंजेस होंगे। बाकी मैं चाहूँगा कि चेंजेस ना करेंगे तो बेटर है। भुवनेश्वर कुमार को अगर मैं अवॉइड कर रहा हूँ तो मैं रमन लोलागुलबाज को अपनी टीम में इंक्लूड रखूँगा ही हूँ, ठीक है। बी कुमार को अगर नहीं रख रहा हूँ तो मैं रमन लोलागुलबाज को अपनी मेगा कॉन्टेस्ट की जो और टीम बनेगी उसमें सीधा इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। वाइस कैप्टन में अगर बहुत ज़्यादा रिस्की लेना चाहते हैं तो मिचेल स्टार्क, जहाँ पर एक ही मैच में 3 विकेट लिए थे अगेंस्ट द SRH, तो इनको आप लोग वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं कल के मैच में, ठीक है। और मेरे जो दिल का वाइस कैप्टन है वो यही है, मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कैप्टन कर सकता हूँ, और वाइस कैप्टन पैट कमिंस के साथ में, तो ये मेरी टीम बनेगी, ये मेरा सीवीसी रोटेशन रहेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी और बेस्ट टीम्स आप लोग क्रिएट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।